अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इधर सुबह सुबह कहाँ पर जा रहा हूँ। दरअसल आज ना मेरे सासुमा और मिसबा आ रहे हैं और सालिहा को ना ये पता नहीं है, उन लोग अचानक आ रहे हैं। मतलब कैसा बच्चे लोग की याद आ रही थी, तो इतने दिन से मतलब दूर थे, सिर्फ वीडियो कॉलिंग वगैरह पर बात होती थी, लेकिन अचानक प्लान बना के चलो आते हैं। तो माशाल्लाह उन लोग आ रहे हैं और सालिहा को ज़र्रा भी नहीं मालूम है। और मैं अभी जब निकल रहा था ना, उन लोग 8 नंबर पर पहुँच गए हैं, तो मैं अभी निकल रहा था ना, सालिहा मुझसे पूछ रहे कि कहाँ पर जा रहे हैं। बोला जा रहा हूँ दुकान पर क्रीम पाउल आने के लिए। तो उनको ऐसा बोल के मैं अभी जा रहा हूँ अम्मी को और मिसबा को 8 नंबर से लेने के लिए, और देखते हैं सालिहा का रिएक्शन, क्योंकि उनको ज़रा भी नहीं पता है कि अम्मी अब्बा अम्मी और मिसबा आ रहे हैं अचानक। चले मिलते हैं उनसे, फटाफट लेके चलते घर। देखो तो सामने से आ रहे हैं अम्मी और मिसबा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है क्या बात है, वेलकम है तुम लोग मुंबई मालोनी में। माशाल्लाह कैसा रहा सफर? इस बार लग्जरी से आया, नहीं तो पिछली बार ट्रेन से आते थे। तो लग्जरी से इस वजह से आया क्योंकि सालिहा को पता ना चले। माशाल्लाह। हाँ नहीं बोला, मेरे को पूछ रहे थे कहाँ जा रहे तुम, तो मैं बोला दुकान पे जा रहा हूँ क्रीम पाउल आने के लिए। बहुत पीछे पड़ गए मेरे, बोलते बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ क्या हुआ, एकदम पीछे। अरे हाँ बहुत लेट हो गए इसीलिए। तो गाइस मुझे अभी ना सालिहा का फोन पे फोन आ रहा है, और चलो अभी देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। मेरा घर एकदम सीधा सीधा है यहाँ से। चलो अभी यहाँ से ना रेगुलर कैमरा चालू रहेगा, बंद नहीं करूँगा, ठीक है? पहले अपन ऊपर चढ़ते हैं। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। चलो कैसे हो? क्रीम पाव नहीं था यार उसके पास। अच्छा। क्यों अच्छा हुआ? क्यों हुआ अच्छा? ऐसा ऐसा मत बोलो, ऐसी ब्लॉग तो स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब खैर से नीता आई एस ब्लॉग शुरू करते हैं। आप लोगों का वेलकम है सालिहा से शेख ब्लॉग में। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गाइस देखा आप लोगों ने इतने महीने के बाद उसी का नहीं बोल रहे थे पागल, वो डिलीवरी की रिक्शा थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सालिहा का रिएक्शन देखे गाइस, एकदम घबरा गए, इनको जरा भी नहीं मालूम था कि अम्मी आने वाले हैं। कल अम्मी के मुंह से गलती से निकल गया था तो पकड़ लिया था हम लोगों ने, बात घुमा दी है। अम्मी नहीं कहते, वैसे नहीं किया था। माशाल्लाह फातिमा इधर नानी आए ना, जो नानी से मिल लो, जाओ नानी से सलाम कर दो नानी को। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो नानी? तुम आ गए मेरे घर पे आज, क्या बात है। नवाजा चले गए नानी के पास में, हगू किया। तो जो बैग बाहर रखा था उसको भी अंदर ले लेते हैं। क्या बोल रहे तुमने टिकट में बुक करे थे नानी के? हम लोग की बातें चल रही थी वो तुमको भटकाने के लिए। अम्मी मुझे कल निकल गया, जैसे फोन रखने वाले थे चलो रखो, बोलते रिक्शा आई क्या? अच्छा तो बस यही वो बात पकड़ के बोले रिक्शा की बात के, रिक्शा की बात के। चलो कैसा लगा? बहुत अच्छा था। माशाल्लाह एकदम तड़बड़ा गए चालो। अरे वाह मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ बोलो। तो फ्रेंड मेरी अम्मी अभी जा रही नाश्ता बढ़ाने के लिए। और मेरी खुशी इतनी है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी खुशी हूँ कि मैं कोई यकीन नहीं मेरी अम्मी आए करके। हाँ। जा रही हूँ चाय याद की थैली रखी हुई है। चुमटी काटू छोड़ो, एक मिनट। चुमटी बहुत बुरी है। अब यकीन हुआ कि अम्मी आए? दीवानी है चालो एकदम। नहीं टिकट नहीं बुक किया था, मजाक कर। तो अब्बा भी आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
ये क्या है? तो बोलते कि अभी आएंगे गाड़ी पकड़े, मतलब ट्रेन वो तो कल हमने सोलह से बातें बना रहे थे सिर्फ। हाँ अरे बाप रे, नानी मिल गई, नानी माशाल्लाह माशाल्लाह। मिजबान भाई मुस्कान की छुट्टी है आज। छुट्टी है मतलब छुट्टी देकर आया उसको, स्कूल की छुट्टी होने वाली है ना घर की। अरे स्कूल की नहीं, घर की छुट्टी। अच्छा खाला बोलने का मिसबा। तो यहाँ पर अभी चाय बन रही है, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर अभी नाश्ता करने के लिए। गाइस आप लोग भी आइए नाश्ता करने। अरे भाई क्या हो गया तुम्हारे को? नानी को देख के एकदम दीवाने हो गए। अरे मेरे मोबाइल तो छोड़, मोबाइल तो छोड़। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे बेटा? ओहो अब्बू के इधर से खेल रहे हो। तो मैं आया था गंगा मंगल की दुकान पे राशन लेने के लिए, तो ले लिया। चलो भाई बाय बाय। Two thousand years later. तो गाइस थोड़ा सी आराम फरमा रहे थे हम लोग सब लोग, तो अभी जस्ट सोचे उठे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे दूध लाने के लिए। सॉरी अच्छी वाली चाय बनाई है, एकदम अच्छी वाली चाय बनाई मेरे शोर के, मेरे शोर को मेरे ऊपर दिल आ जाए। हाँ एकदम प्यारी चाय बनाना था भाई, वरना नहीं। अरे बाप रे भैया सुबह हो गई तुम्हारी? हाँ भैया सुबह हो गई तुम्हारी? सुबह हो गई, चलो बाहर घूम कर आएंगे। चलो आ जाओ, आओ पकड़ो हाथ पकड़ो, चलो 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 आज। ये देखिए शाम का मौसम। तो गाइस मैं आया मन्नी भाई की दुकान पे। मन्नी भाई ये क्या लेकर आ गए? ये 10 रिफिल वाली 10 रंगों की अलग अलग पेन है। अरे माँ सिर्फ 20 रुपए में। 20 रुपए में? अरे माँ एक नंबर लग रही है यार, नया आइटम लग रहा है बताओ। अरे माँ मन्नी भाई ने यहाँ पे चला के भी देख लिया, देखो अलग अलग कलर में जरा खोल निकाल के देखो। चेक किया अपने भी दिल में भावना है, एक नंबर। ना गाइस आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, ये डायरेक्ट यूट्यूब पे आएगा अभी। ओह ये ऐसा एक दबाने पर ऊपर से प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगी, ऐसा है। सिंगल दबाओ, एक बटन दबाओ। हाँ। वो लॉक मतलब बंद करने के लिए। हाँ। एक बटन दबाओ, एक कोई भी बटन दबाओ। हाँ, वो जो चालू करने उसको दबा देने का। अच्छा ऐसा है, ऑफ करने के लिए बटन दबाने के ऊपर वाला। ओह हो ऐसा ऐसा मतलब दूसरी लेने का तो एक दबा के फिर ऊपर से लॉक कर डालने का। मस्त है यार ये, 20 रुपए में सिर्फ मन्नी भाई की दुकान पे अवेलेबल है। तो मैंने सोलिहा को लाके दे दिया चाय बनाने का सामान। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बोलो? हाँ अरहान खेल रहा है, अरहान तुम्हारे साथ खेलो, खेलो अरहान के साथ खेलो। हाँ क्या हुआ बेटा? हाँ अरे पाले लो अरहान को, पाले लो अरहान को। ए ए अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ले लो पाले लो भाई को। हाँ ले लो, हाँ सबको बुला लो अभी, आंटी नानी। ऐसे तो खेलती नहीं है, और अभी खेल रही थी सबको दावत दे रही, आंटी नानी मम्मी। हाँ देखो ना ये पागनू, ए पगनू क्या करना, बुनबुन करना गाड़ी चला। तो गाइस देखिए मैंने सोलिया के लिए लेकर आया हूँ नागिन पाव। इसको खा के सांप बन जाना, तो नागिन पाव। हेलो नागिन पाव हंस रहे क्या? उसको नागिन ही पाव बोलते, उसके अंदर क्रीम रहती है। तो फाइनली गाइस हमारी चाय रेडी हो गई, चलिए देखते हैं सोलिहा ने स्पेशल चाय बनाए हैं या नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी चाय बनी गाइस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दालचीनी मैंने शेयर किया था, मतलब दालचीनी को बुक्का करके दूध में डाल के पीने का, तो उससे हाफिजा मजबूत होता है। तो मैं इतने दिन से तो कर नहीं रहा था क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था, तो कल मैंने क्या बोलते थोड़ा सा बुक्का करके पिया, तो अभी 2 दिन में तो कुछ असर नहीं होगा। तो देखो अभी यहाँ पर पूरा बुक्का कर रहे हैं, इसको मिक्सर में डाल के पूरा एक साथ, मैंने थोड़ा सा किया था, अभी पूरा एक साथ करेंगे और धीरे धीरे फिर इस्तेमाल करेंगे बाद में। हो जाएगा ना मिक्सर में बारीक, आवाज करेंगे। ये बड़े बड़े पीस है ना, तो इस वजह से इसमें डाल के थोड़े छोटे छोटे कर लिए। सिर्फ आवाज सुनना आप लोग, चलो वो तो खराब नहीं होगा ना ब्लेड। हाँ ये देखो साइड में से दिख रहा है, बारीक हो गई है, इससे पहले झटका। अरे वाह एक नंबर यार, जबरदस्ती में उस दिन तो पीस पीस के इतना टेंशन ले रहा था, पता है नीचे तक आवाज जा रही थी, मेरे को मालूम होता पहले ही। अरे थोड़ा और करो ना,
अच्छा तो? देखो जरा कितना बारीक हो। हाँ यार और थोड़ा बारीक कर रहा है। एक बार और घुमाएंगे ना मस्त हो जाएगा एकदम। अच्छा बारीक सीधा ही सीधा ही। तो एकदम बारीक हो चुका एकदम बारीक हो गया मस्त एकदम माशाल्लाह पाउडर बन गया एकदम मस्त बारीक हो चुका। अपन ये डब्बे में इसको रख देते हैं और एक गिलास दूध के साथ एक चम्मच मिला के पीने का रात में सोने के टाइम। फातिमा हो गया ना पूरा बारीक। हाँ बेटा ये देखो क्या मस्त हो गया। उसमें इतना मार रहा था ठोक रहा था तो नहीं उसे नहीं हुआ था पूरा लग रहा था दांत में एकदम बारीक हो गया। चलो भाई मस्त काम हो गया। तो देखो उसको पैक कर दिया। चलो कौन सा इलाज बोलते हैं इसको टिब्बी इलाज बोलते हैं घरेलू इलाज देसी इलाज है अपना हाफिजा तेज करने। अभी इसको ना सौलिया को भी खिलाने वाला भाई इसमें खाएंगे क्यों अरे पागल खाने का तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा। चलो और गाइस देखिए यहाँ पर सोलह बना रहे हैं रोटी माशाल्लाह माशाल्लाह बनाओ बनाओ चलो क्या बात है। कहा चला हाँ नानी को देख के कहा चले बेटी। इसको देखो बस पाउडर चाहिए वो भी ठंडा पाउडर लाओ दो दो हाथ पे दो मेरे हाथ पूरा कान डूबने लगा लेकिन सोलह को कुछ भी नहीं हुआ। देखो तुम्हारे को असर नहीं हो रहा है। ओ भाई लग जाएगा ना तुमको। तो गाइज मैं महत अपना महत बोल रहा हूँ अरहान को बाहर लेके बैठा हूँ और फातिमा को देखो। फातिमा क्या कर रहे हैं घर में ना झींगा तल रहा था ना तो इसलिए पूरा घर में ठसका मारा तो बाहर आके बैठा हूँ मैं अरहान को लेके और फातिमा भी मेरी आ गई। बाबू क्या कर रहे तुम हाँ गर्मी लग रही है इसलिए तुमने टी शर्ट उतार दी है। कितनी गर्मी लग रही है बहुत लग रही गर्मी बाप गर्मी बहुत लग रही है भाई मैडम को। अरहान माशाल्लाह बैठे हो ना बाहर अच्छे से बाहर इसको बिठा के भेजो। हाँ हाँ खेनो पैर फंसा दिए तुमने। चलो जल्दी सीधा हो जाओ सीधा हो जाओ सीधा हो जाओ। हो गया हो गया हो गया क्या बात है हो गया क्या हुआ क्या देख रहे तुम क्या देख रहे क्या देख रहे तुम। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ फातिमा के हाथ पे जादू। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ ठीक है। आ जाओ फातिमा इधर हाथ बताओ इधर हाथ बताओ ठीक है ऐसा पकड़ लिया ठीक है बंद करो हाथ ऐसा बंद करो हाथ आग बंद कर दियो आग नहीं बंद करो हाथ बंद करो ऐसा हाँ मुट्ठी बंद करो ऐसा बंद करो मुट्ठी हाँ इसमें मसाला डाल दिया मैंने सब कुछ डाल दिया ठीक है। अरे बंद तो करो मेरी जान खोलो अभी हाथ इसका मुंह का रिएक्शन दे मजा आई कैसा लगा जादू कैसा लगा करंट लगा कि नहीं लगा हाँ करंट लगा ना हाथ पे चलो फिर से तुम्हारे कर रहे चलो बंद करो इसके अंदर मसाला डाल दिया क्या क्या डालू तुम्हारा मुंह डाल दिया ठीक है चलो खोलो ऐसा टाइट खोलो करंट लगा कि नहीं। तो गाइस देखिए ये है जादू आप लोग भी मेरे ख्याल से करते रहेंगे स्कूल लाइफ में या ऐसे कभी भी तो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताना ठीक है। तो वीडियो इधर ही एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ अपना प्यार से बड़े से बनाए।